सो नेक्स्ट स्पॉट ये महेंद्र केव एंट्रेंस। आइए अभी हम लोग अंदर चले, पापा आ रहा लेके। अरे हस्बैंड लेके आ रहा। सो चलो आओ, पापा आ रहे हैं, आने दो पापा, चलते हैं। पता नहीं कहाँ से आ रही है पिज्जा की खुशबू। यहाँ से चलना, ये तो पिज्जा मुझे पसंद है। हाँ कहाँ से आ रही है पता नहीं, कहाँ से आ रही है। वे टू केव, केव जाने का रास्ता। क्या हुआ ये देखो, ये देखो। हाँ गार्डन बिन चार बनाए थे, मतलब गार्डन में जाने बनाया है। कहाँ यहाँ पे जाने बाटो, गार्डन बिन चार बनाए थे, बिन गार्डन बिन मार दौड़ोगे क्यों, गार्डन बिन जान बनाए थे, जान बनाए थे। अच्छा छह लिखा है, छह नहीं। हाय बेटा, ये हाथ नहीं पकड़ रही है, है। और ये देखो कितना लेकिन अच्छा लग रहा है, यहाँ स्लिपरी तो नहीं लग रहा मुझे। सो ये केव के अंदर हम लोग प्रवेश करते हुए, केव अगर बहुत डेंजरस होगा तो अंदर नहीं जाऊंगे। क्या हुआ सुनिए, आई विल नॉट गो। हेलो रहने देते हैं, चलोगे अंदर? अरे अभी तो गए थे केव में। बारिश के मौसम जाने लेकिन यहाँ तक आ गए हैं तो जाइए, बहुत 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 बढ़िया है। अरे बारिश के मौसम में जाना कुछ ना, कोई दिक्कत नहीं। पानी तक पानी तक मेरे को लाइटिंग है नीचे, तो बिना लाइटिंग के तो ये केव के अंदर हम लोग आ चुके हैं। ये अच्छा है कि यहाँ लाइटिंग का व्यवस्था है फ्रेंड्स। वाओ कितना ठंडा ठंडा। हेलो वेट फॉर मी, कह रही हूँ कितना ठंडा लग रहा है ना अंदर, अच्छा लग रहा है नहीं, ठंडा ठंडा कूल कूल। शानवी मजा आ रहा है, शानवी ऐसे ऐसे आई हो कभी गुफा में? शानवी गुफा में आई हो? शानवी को इसमें भेजो, इसमें शानवी जाओगी? पहले बताओ इससे पहले कभी आई थी? सो शानवी ने शॉपिंग की और शानवी ने क्या खरीदा है ये आप देख लीजिए। नाम क्या है शानवी इसका? चिंकू नाम रखा है। बात करो चिंकू से। चिंकू कैसे हो? सो फ्रेंड्स ये है पोखरा का लास्ट आए हैं स्पॉट जहाँ हम लोग घूमने आए हैं। अब इसके बाद हम लोग अपने होटल चले जाएंगे और फिर कल हम निकलेंगे काठमांडू। सो ये देखिए पोखरा, और पोखरा ना घूमे तो ये है वो जगह। ये देखिए आप पोखरा के बीच में मंदिर है, फेमस मंदिर, यहाँ आपको बोट के थ्रू जाना है, दर्शन करके आना है। तो देखिए हम जाते हैं या नहीं। सर गए सर, टिकट लेने गए हैं। सो हम लोग मंदिर जाने के लिए रेडी हैं एकदम। शांति भी रेडी है और हम भी रेडी हैं, हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए। हाथ पकड़ो शांति, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो मम्मा। भैया व्हाट हैपेंड, किस में जाना है? तो अभी हम लोग बोट पर बैठे हैं। वो जा रही है, वो लास्ट वाली जा रही है। हेलो ये जिसमें वो लोग बैठ रहे हैं वो जा। Excuse me.
कितना लोग? चलो भैया बैठो, शान्वी आ जाओ ऊपर, इसको लीजिए गोद में। हेलो शान्वी को गोद में उठाइए। कैसे बेटा जी? कोई बात नहीं, उठा लो उठा लो उठा लो, बीचों बीच में इससे बैठो, नहीं बीच में बैठो ना इससे, बीच में नहीं होता इधर, आप वहीं बैठे बैठो ना, वहीं बीच में बैठते तो क्या दिक्कत है। चलो शान्वी आप उस पे बैठो ना, आगे वाले पहलो, उधर मेरे तरफ फेस करके बैठ जाओ ना उधर सामने। शान्वी नहीं बेटा ऐसे रोते नहीं, एंजॉय करना चाहिए, मेरे तरफ पीट करके आप बैठ गए हो, सो हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। ये देख लीजिए आप सामने मंदिर है, वहीं जा रहे हैं, और फोन किसी भी वक्त ऑफ हो सकता है, नाव चल रही है, वहाँ डर लग रहा है, पर इधर फेस किया होता तो पिक्स भी लेते ना। सो फ्रेंड्स ये है जा रहे हैं, ये मुड़ेगा यहाँ पे हम लोग। हाँ स्टीमर है बेटा, यहाँ हम लोग उतरेंगे दर्शन करने के लिए दोस्तों। अंदर हेलो, हाथ अंदर कर लीजिए दीदी, चोट लग सकती है ना हाथ, मेरे तरफ से दर्शन करना है। सो ये देखिए इतना खूबसूरत नज़ारा और इतना खूबसूरत व्यू आपने नहीं देखा। ये जंगल क्यों जा रहे हैं कुछ लोग? शेर दिखता है? ये जंगल में सारे जानवर हैं दोस्तों, देख लीजिए आप लोग, ऊपर रहता है। और ये भैया जंगल को लेके जाएगा तो खा जाएगा बढ़िया, रास्ते में भी आ जाते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट पहुँच गए लेकिन घूम के जा रहे हैं मंदिर में, क्या कह रहे हैं। सो ये है वो टेंपल, यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और दर्शन भी कर चुके हैं। अब आप देखिए फिश, फिश दिखाती हूँ आपको, पास दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, कितनी सारी फिशेज है। नहीं ये देखिए फिश, ये नैनीताल में भी ऐसी था, नहीं वहाँ तो बहुत सारी फिशेज थी, यहाँ पे तो उठा के ट्रक से फेंका जाता है बाहर, इतनी ज्यादा हो जाती है, उसको पकड़े रहिए शांति। और ये देखिए दोस्तों ये आपको घना जंगल दिख रहा है, इसमें सारे एनिमल्स हैं इस जंगल में। ये देखिए यहाँ पे बोट से आप आएंगे और यहाँ दर्शन करेंगे और दर्शन करके रिटर्न करेंगे। क्या हुआ? ये है वो टेम्पल, कौन सी गॉड है यहाँ? माता जी है कोई अवॉइड करो। ये है वो टेम्पल फ्रेंड्स जहाँ हम आए हुए हैं दर्शन करने। प्लीज उसका हाथ पकड़े रहिएगा। सो फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि मेरा फ़ोन किसी भी वक्त ऑफ हो सकता है, इसलिए मैं अब वीडियो नहीं कंटिन्यू करूँगी और अब हम लोग वापस जाएंगे और अब होटल में पहुंच के आप लोगों से मिलती हूँ। तो मिलते हैं, बाय दोस्तों, होटल में पहुंच के मिलते हैं, बाय। कहाँ पर डर रहा है अभी, डर रहा है ये कबूतर के अंदर, माता जी अंदर उसी टेम्पल के अंदर। सो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने होटल पे, आप देख सकते हैं, और आज मतलब हमारा जो पोखरा का ट्रिप था वो आज ख़त्म हो चुका है। अब कल मिलेंगे, ऑलरेडी 3 डेज हो चुके हैं यहाँ आए हुए, अब कल से मेरा नया एडवेंचरस सफ़र शुरू होगा काठमांडू के लिए। तो यहाँ से हम लोग काठमांडू निकलेंगे, सो कल से एक नए और फ्रेश ब्लॉग के साथ आपसे मिलूंगी। आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और हाँ शान्वी भी थक के आ चुकी हैं और अपने सेपरेट बेड पर आराम कर रही हैं, शान्वी वो अभी सेपरेट सो रही हैं और ये हम लोग का बेड है, वो शान्वी को मज़ा इंजॉय कर रही है, यानी मम्मा मेरे लिए भी ऐसा बेड बनवा दो। हाँ शान्वी ने अपना बेड पूरा लगा लिया अच्छे से। सो फ्रेंड्स आज का पोखरा का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, कल से आप देखेंगे काठमांडू का ब्लॉग। सो आपको पोखरा का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगेगा मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा या अच्छा लगा या वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ शान्वी त्रिपाठी ब्लॉग। अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए प्लीज़, और हाँ खूब सारा शेयर करिए दोस्तों प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिए मेरे वीडियोस को दोस्तों। सो मिलते हैं कल एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ काठमांडू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय दोस्तों। बहुत पैकिंग करनी है, कल सुबह उठना है, कल सुबह हम लोग को
निकलना है काठमांडू के लिए, बहुत पैकिंग, पूरा सामान बिखरा हुआ, जल्दी जल्दी पैकिंग करती हूँ दोस्तों, उसके बाद में सो जाऊंगी। बाय बाय। और फ्रेंड्स, पोखरा से निकलने से पहले ये लास्ट नाइट मैंने पोखरा में एक छोटा सा टैटू बनवाया शानवी के नाम का।